हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी गाइडेंस। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एचटीएमएल प्रोग्रामिंग, जो कि आपका कंप्यूटर साइंस का है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो, आप बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, या फिर आप जॉब करने जा रहे हो, कोई प्लेसमेंट लेनी है, तो ये आपका बहुत ही बेसिक है एचटीएमएल प्रोग्रामिंग। एंड अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप वेब डेवलपर हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बनना चाहते हो तो HTML प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत ही बेसिक होती है, एंड ये क्लास 12th की भी है। तो सबसे पहले हमने इसमें इसका इंट्रोडक्शन किया है, HTML प्रोग्रामिंग आखिर होती क्या है, एंड देन उसके बाद हमने HTML और उसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ बताएंगे। HTML क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये आपकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, बट ये आपका जो एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, आपको बताती है कि किस स्ट्रक्चर से आप बना रहे हो अपनी वेबसाइट को। तो ये चीज़ें आपको कुछ बता रही होती हैं। एंड यहाँ पे देखो तो आप देख सकते हो राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। एंड साथ ही साथ आपको इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहे होते हैं, आपको थियोरेटिकल नहीं ज़्यादा मिल रहे होते हैं, आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करी गई है। एंड अगर आपको ये PDF की नोट्स चाहिए तो आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा या तो आपको कमेंट सेशन में मिल रहा होगा, आप जाके वहाँ से ईज़िली यह नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये नोट्स आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाली है और काफ़ी ही अच्छे नोट्स होने वाली हैं और लाइफ में आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाले। सो यहाँ पे देखो, किसी भी चीज़ को हमने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, सारे टैग्स को हमने बता रखा है कि HTML टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है, टाइटल टैग क्या होता है, तो सारी चीज़ें हमने बता रखी है ऑलरेडी। एंड ये अगर नोट्स अगर आप एक बार पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, ब्रेकिंग लाइंस, तो VR टैग जिसको हम बोलते हैं, अगर हमको कोई लाइन ब्रेक करनी होती है, किसी लाइन्स तक हम कोड लिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कोड जो है वो नेक्स्ट लाइन से आए, तो उसके लिए हम VR टैग का यूज़ कर रहे होते हैं। आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिल जाएगा। एंड ये आपका कुछ इस तरीके से नोट्स रहा है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए, ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। एंड इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।